कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। सबको इस वक्त का इंतजार है कि कब कोरोना की वैक्सीन बनेगी और कब लोगों को इस महामारी से निजात मिलेगी। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत में इसकी दवा लॉन्च हो गई है। कोरोना महामारी की दवा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को लॉन्च की। कंपनी के अनुसार ये दवा कोरोना वायरस से मामूली रूप से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए लॉन्च की गई है। ये दवा एंटीवायरल दवा फेविपिराविर फेविफ्लू है। मुंबई स्थित कंपनी ने शुक्रवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दवा बनाने और बेचने की मंजूरी हासिल की थी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कहा है कि फेविफ्लू कोरोना यानी कि कोविड 19 इलाज के लिए खाने वाली फेविपिराविर पहली दवा है। इसे मंजूरी मिल गई। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लेन सल्दाना के अनुसार ये दवा ऐसे समय में आई है जब भारत में पहले के मुकाबले अधिक तेजी से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम काफी दबाव में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फेविफ्लू जैसी प्रभावी इलाज की उपलब्धता से इस दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट है। पहले दिन इस दवा की 1800 mg की खुराक दो बार लेनी चाहिए। इसके बाद 14 दिन तक रोज 800 mg दवा दिन में दो बार लेनी चाहिए। ये दवा डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से पीड़ित लोगों को भी दी जा सकती है। दवा कंपनी ने कहा है कि इस दवा से 4 दिन में ही कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में सुधार दिखने लगेगा। इसमें तेजी से लक्षणों और रेडियोलॉजिकल में सुधार होना शुरू हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।